हेलो दोस्तों नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा जो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिनांक 7/3/2022 को एक बहुत बड़ा जो है तो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हालांकि इसके पहले भी मैं वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिनांक 7/3/2022 को संपन्न हुआ ईपीएस 95 पेंशन द्वारा विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता की उपस्थिति, मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव श्री महेश सतोड़िया, प्रांतीय अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह भदौड़िया व श्री देवी चरण झा, प्रांतीय संगठन सचिव श्री राजेश सिंह तोमर, चंबल संभाग के अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह यादव, भिंड के जिलाध्यक्ष श्री बी के बोहरे, मुरैना के जिला अध्यक्ष एड श्री रामवीर शर्मा, वरिष्ठ नेता रामसिया दत्तोड़िया जी व राधेश्याम शर्मा जी की उपस्थिति व मार्गदर्शन में ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जिसे हम लोग बोलते हैं कि विरोध प्रदर्शन किया गया। पेंशनर्स के नारे से गूंजा ईपीएफ कार्यालय क्षेत्र, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा इस प्रकार से कुछ नारे को लगाया गया कि पूरा पेंशनर्स ईपीएफ कार्यालय गूंज उठा, समिति नहीं इंसाफ चाहिए और समय पर न्याय चाहिए का नारा लगातार गूंजता रहा। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा सुना गया और देखा गया ये भी नारा सबसे ज़्यादा है कि कमांडर साहब आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव की विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन में श्री रणवीर सिंह यादव व श्री बी के बोहरे ने अपने प्रभावशाली भाषण से पेंशनर्स की ओर से गर्जना करते हुए कहा कि अब ईपीएफओ को अंतिम अल्टीमेटम दिया जाए, हम चंबल क्षेत्र के सदस्य किसी भी प्रकार के बलिदान को देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ माननीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अजय यादव ने पेंशनर्स के बीच आकर स्वीकार ज्ञापन व ज्ञापन को स्वीकार किया व साथ ही साथ पेंशनर्स की प्रतिनिधियों से चर्चा, पेंशनर्स की भावनाओं को वरिष्ठ तक पहुंचाने के लिए अति शीघ्र कहा और साथ ही साथ में उन्हें आश्वासन भी दिया। ज्ञातव्य हो कि एनएसी भिंड ने बुढ़ान आंदोलन के सपोर्ट में 65 दिन तक क्रमिक अनशन किया था, जिसके बाद में जिला प्रशासन के अनुरोध पर व सांसद भिंड की अपील पर वापस ले लिया गया था। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो मध्य प्रदेश से खबर निकल के आई है जहां पे मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के द्वारा ऐसा हुंकार भरा गया है कि पीएफओ कार्यालय तक उनकी जो तो नारे की गूंज सुनाई दी है और वहाँ से जो तो पेंशनर्स की आवाज़ सुन के वहाँ से अधिकारी दौड़े हुए आए और साथ ही साथ उनको ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ में उनके द्वारा इस चीज़ का आश्वासन भी दिया गया कि उनके अपने वरिष्ठ अधिकारी तक उनका मैसेज भी पहुंचाएंगे, ज्ञापन भी पहुंचाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि की जाए। तो दोस्तों आज का खबर आपको कैसा लगा? अगर जानकारी और खबर आपको अच्छी लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।